हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिजली बिल कैसे डाउनलोड किया जाता है। पे करना मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। अब आप बिजली बिल कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आपको वीडियो एंड तक देखनी है और क्या करना है वो मैं सारी जानकारी दे दूंगा आपको। बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हैं ट्रेन प्लस। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक अच्छी सी कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है वो सारी स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ये मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको बिजली बिल डाउनलोड राजस्थान लिखना है। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान लिखिए, अगर आप किसी और सिटी से या स्टेट से हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राजस्थान लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर राजस्थान वाली साइड पर ही जाऊँगा क्योंकि मेरा बिल राजस्थान पर ही जमा होता है। दोस्तों, मेरे अजमेर से बिल आता है तो मैं अजमेर वाली विद्युत वितरण निगम पर जाऊँगा। अब यहाँ पर मुझे के नंबर डालने होंगे। के नंबर डालने के बाद मैं ईमेल आईडी डालूँगा तो दोस्तों मेरा ये सबमिट हो जाएगा और मेरा कितना बिल आया वो आ जाएगा, मेरी पूरी बिल की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ से आप अपना बिल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक ऐप भी बता देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन पर इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का कोई स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, मैं उस पर टिक कर देता हूँ। ये मैंने टिक कर दिया है और ऐप ओपन हो रहा है। इसमें मेरे को बिल चेक करना है तो मैं बिल पर जाऊँगा, इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करूँगा। अब आप जिस स्टेट से हो वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान ढूँढ के फटाफट से सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मुझे मिल गया है। मेरे अजमेर विद्युत वितरण निगम से लाइट आती है। अगर आपके जयपुर से आती है, बीकानेर से आती है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं अजमेर पर आ चुका हूँ और देखिए दोस्तों, मैंने जो गूगल पर सर्च किया था वो मुझे इसी में मिल चुका है। तो अब यहाँ पर मुझे के नंबर डालने, ईमेल आईडी डालनी है, सबमिट करना है और सबमिट करने के तुरंत बाद आपका बिल आपको शो कर जाएगा, आपका पेमेंट आपको शो कर जाएगा। आप यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप बिल पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज आपने जाना बिल पेमेंट कैसे किया जाता है और बिल को डाउनलोड कैसे किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हो। दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।